डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, आइदर कंडीशन अगर गलत भी हो यानी फॉल्स भी हो तो भी डू व्हाइल चलता ही चलता है। डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जिसके व्हाइल में सेमीकॉलन लगता है और व्हाइल के बाद बॉडी नहीं लगती, बॉडी डू में होती है, बॉडी पहले होती है। यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी पहले है। इसको मैं करके आपको प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ, चलते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर जहाँ पर मैं डेव सी पे आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ डू व्हाइल की। तो यहाँ पर मेरा डेव सी खुल रहा है। अगर आपने हैक माई ट्यूशन कंप्यूटर साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और डू व्हाइल सीखें मेरे साथ। तो यहां पे आपका डेव सी ओपन हो चुका है। एक फाइल मैं यहां पे एज यूजुअल जैसे हमेशा लेता हूं वैसे ले रहा हूं और यहां पे डू व्हाइल डू WHILE यहां पे मैं ले रहा हूं डू व्हाइल। ये जो है अब इस फाइल को हम कर देंगे सेव और यहां पे हम करेंगे कोडिंग। तो आ जाइए फाइल को करते हैं सेव और फाइल का नाम जो भी देना है यहां पे मैंने दे दिया डू। ठीक है, अब सेव हो गया ये फाइल। यहाँ पे आ जाइए, अब जो है हम इसे करेंगे। आप अंत तक बने रहें वीडियो में, इसमें मैं वाइल डू वाइल और फॉर में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को मैं इंक्लूड कर लूँ, हैश include stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच int main यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे आ जाइए, अब फिर क्या करना है डू वाइल के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे इंटीजर i एक वेरिएबल ले लिया जिससे मैं लूप चलाऊंगा, मुझे 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। देखिएगा क्या अंतर है डू वाइल और वाइल में, यही समझ में आ जाएगा। डू यानी कि इंप्लीमेंट करो, व्हाट डू, तो यहाँ पे आ जाएंगे, डू इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और WHILE वाइल यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने लगा दिया है सेमी कॉलन। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ TRUE ट्रू, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे वन करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी। सपोज मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ यहाँ पे मैंने लिखा है ओके। आप आंसर में ज़रूर लिखे कमेंट में। यहाँ पे अगर मैं डू में यहाँ पे ओके प्रिंट करा रहा हूँ और वाइल में वन है तो वैल्यू क्या आएगी, कितने टाइम आएगी, ये आपको बताना है। तो इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और आप बताते रहिए, अभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो डू वाइल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, डू वाइल कैसे काम करता है। तो डू सबसे पहले चलता है। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है print प्रिंट, ठीक है, वॉट प्रिंट, प्रिंट एफ नॉट प्रिंट, प्रिंट एफ वॉट प्रिंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिंट एफ यहाँ पे लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे प्रिंट एफ। और आई को मैं यहाँ पे प्रिंट करा तो परसेंटेज डी और आई को आप प्रिंट करा लेंगे कॉमा आई, यहाँ पे आई आपका प्रिंट होने लगेगा। आई को एक इंक्रीज कर देना है, आई प्लस प्लस मैंने कर दिया है। और कब तक चलना है तो वाइल WHILE वाइल तो लगा ही है, आई जब तक छोटा है बराबर नहीं होता है 10 के, यानी 1 से 10 तक का ये लूप मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इसे मैं कंपाइल करा रहा हूँ, यहाँ पे एरर वार्निंग चेक कर लें, क्या वार्निंग आ रही है, क्या एरर आ रहा है, तो 0 error 0 warning और इसे रन करा देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 10 तक यहाँ पे आपका कोड चल रहा है। बट ये मेरा मोटिव नहीं है बताने का, आगे देखते हैं क्या है मोटिव मेरा। यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ, कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ कि एक जब तक बड़ा है 10 से, भैया आई में एक है, क्या एक बड़ा है 10 से, नहीं, ये कंडीशन यही गलत हो गई। लेकिन ये एक बार एट लिस्ट चलेगा ही चलेगा, देखिए यहाँ पे एक बार चल गया। तो कभी किसी कोड को एक बार एट लिस्ट एग्जीक्यूट कराना ही कराना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं डू व्हाइल लूप का, बाकी और कोई फंडा नहीं है। अब इसमें चाहे तो आप और भी नेस्टिंग कर सकते हैं, डू वाइल में डू वाइल को भी आप चला सकते हैं कई बार। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि ये 10 बार चले, ये क्या हो आई क्या चले, तो आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 बार चले। अब क्या हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से डू व्हाट डू टू ब्रैकेट और डू का ब्रैकेट फिर वाइल WHILE वाइल, ये नेस्टिंग है वाइल डू वाइल की WHILE वाइल यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, 1 से 10 तक मुझे काउंटिंग प्रिंट करानी है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है। फिर मैं लिख रहा हूँ वाइल, यहाँ पे 2 से 10 कर दूंगा वाइल, यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले लीजिए और मुझे 1 से 10, तो यहाँ पे वेरिएबल होगा जे ले लेता हूँ मैं, i, j जे इक्वल्स टू यहाँ पे 1 ले लीजिए और i = 2 ले लीजिए, 2 से 20 तक का टेबल प्रिंट करेगा ये, और यहाँ पे 1 ले लीजिए और प्रिंट कराइए इसको, ये 20 कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 20 हो चुका है और यहाँ आ जाइए तो लिखेंगे आप क्या कि j into i सिंपल j into i और यहाँ नॉट, यहाँ तो कंडीशन होगा ना, तो j जब तक छोटा है बराबर नहीं होता है, j जब तक छोटा है बराबर नहीं होता है किसके, तो 10 के, 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करना है। और क्या होता है, तो print f
ये प्रिंट करता रहे, किसको प्रिंट करता रहे, तो परसेंटेज डबल कोट में परसेंटेज डी, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करता रहे किसको, तो यहाँ पे आई इंटू जे करता रहे, तो आई इंटू जे मैंने यहाँ पे दे दिया है आई इंटू जे, और ये प्रिंट करता रहे, ये मैंने इतना इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है। बाकी यहाँ पे जे को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो जे यहाँ पे प्लस प्लस हो गया है, मैं F9 करूँगा, ये कंपाइल हो जाएगा। सेमी कॉलन जो है वो छूट गया है, यहाँ पे सेमी कॉलन मैंडेटरी है, और इसे रन कराएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे ये क्यों एक बार चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आके क्यों एक बार चल रहा है। तो जे आई, पहले आई चला है यहाँ पे, आई आई में कितना है, जे में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जे हमारा एक से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल्स टू टू, आई टू से चला है, और टू यहाँ पे डू चला हमारा, और डू के अंदर एक और डू है, तो इसको तो ये टच नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसका ये बॉडी खुला, यहाँ बंद हो गया। वाइल आई, आई यानी कि दो जब तक छोटा है 20 से, अब यहाँ पे आ गया डू में, प्रिंट किया जे, जे प्लस प्लस किया, जे इंटू आई किया, जे इंटू आई, और जे जब तक छोटा है बराबर नहीं है, ठीक है, एक बार कंपाइलेशन करते हैं अगेन, और इसको एक बार रन कराते हैं, और ये चल गया इनफाइनाइट। तो इसको इनफाइनाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको, अब तो फंस गए यहाँ पे आके, इनफाइनाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, जे जब तक छोटा है बराबर नहीं होता है 10 के, ओके ये आ गया, और आई जब तक छोटा, आई 20 तक चलेगा, ओके तो इनफाइनाइट भी चल रहा है, आई 2 से चला, आई 20 तक चलेगा तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पहले तो मैंने आई में ही बाइंड अप कर दिया। अब जे में देखते हैं, जे इक्वल्स टू 1, और आप भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें क्यों मल्टी इनफाइनाइट चल रहा है, डू प्रिंट कर दे आई इंटू जे, आई इंटू जे यहाँ पे कर दे, जे प्लस प्लस कर दे, और जे जब तक छोटा है 10 तक, ये बार बार चलेगा, और जे जो है वो 10 टाइम 1 हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इनफाइनाइट चलना चाहिए क्योंकि कोड तो पूरा पूरा सही है, और मैं इसे फिर से चलाता हूँ। पेज ब्रेक आप करके पॉज करके देख सकते हैं, 681 लाइन चेंज कर लें एक बार, मैं यहाँ पे हम कर देते हैं /n/n और F9 एंड F10 क्या आ रहा है ये देखा जाए। हाँ टेबल तो प्रिंट कर रहा है, ये टेबल प्रिंट कर रहा है लेकिन 2 का कर रहा था, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो रुक के देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर i=2, i 2 से चला, j ठीक है, जे 1 से चला, यहाँ पे आई ये ले लिया हमने, डू में आ गए, और जे इक्वल्स टू 1 हो गया, जे इक्वल्स टू 1 हो गया, यहाँ पे फिर डू में आया और प्रिंट कर दिया आई इंटू जे, फिर जे जो है प्लस प्लस हुआ, जे जो है वो प्लस प्लस हुआ, और जे जब तक बड़ा है, जे जब तक छोटा है, ठीक है, बराबर नहीं होता 10 के, जे लेस देन और इक्वल्स टू 10 चल गया, और आई लेस देन और इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस जो है वो छोड़ दिया है, दैट्स वाई ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे, F9 करिए और F10 कर दीजिए, ये देखिए आपका इनफाइनाइट से बाहर निकल गया। आप इम्प्लीमेंट करते रहिए मेरे साथ ही प्रोग्रामिंग, और करते रहें कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक बार और मैं डिस्क्राइब कर दूँ थोड़ा सा बाय बाय से पहले, मैंने क्या किया है यहाँ पे डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें एटलीस्ट कंडीशन एक बार चलती ही चलती है। यहाँ पे ये नेस्टेड डू वाइल है, डू वाइल में आप देखेंगे आई को 2 से लिया है और जे को मैंने यहाँ से 1 से लिया है। पहला आउटर लूप चलेगा, और आउटर लूप में कुछ नहीं किया है, ये सब आउटर लूप में चलेंगे, तो जे इक्वल्स टू 1, डू और 1 इंटू और आई प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे ही आगे इंक्रीज करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।